Okay.

चेंज करी है एंड क्या क्या वो चीजें चेंज हुई हैं वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ क्योंकि नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव में आपको पहले से क्लियर होना चाहिए आप एक क्लियर माइंड के साथ अपना एग्जाम दे पाए ठीक है

क्या चेंजेस इस बार हमें देखने को मिलेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम देखें तो बोला गया है दैट नीट 2025 पेपर विल बी कंडक्टेड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ओनली एंड नॉट प्राइवेट अब पता है ना हजारीबाग का केस आई थिंक सभी को पता होगा जहां पर वो हजारीबाग प्राइवेट स्कूल था, था हजारीबाग में प्राइवेट स्कूल जो था बेटा वहां पे आपका जो पेपर लीक हुआ था राइट यस yes, यानी कि मैम प्राइवेट स्कूल्स में देयर वाज चांसेस होता है बेटा कि अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गवर्नमेंट स्कूल्स हो तो जो है वो पूरा का पूरा उसका रिस्पांसिबिलिटी ले सकती है अब कई बार प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस में इशूज आने के चांसेस रहते हैं ठीक है तो वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब ये हंड्रेड एंड टेन परसेंट श्योर कर दिया गया है कि अब आपका नीट एग्जाम जो होगा वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस में होगा ताकि बेटर सिक्योरिटी रखी जा सके नेक्स्ट बेटा बोला गया है दैट पेपर ट्रांसपोर्टेशन जो होगी वो ज्यादा अंडर सिक्योरिटी होगी अब क्या होता था पहले भी पेपर आपका जो था जिस भी सिटी में आपका सेंटर होता था वहां पे उनके बैंक्स में पेपर होते थे ठीक है फिर जब आपका पेपर होता था तो बैंक से सेंटर तक पेपर आता था अब वो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना बेटा तो कई बार थोड़ा सा लीनियंसी दिखा देते थे कई बार मैंने सुना ऑटो रिक्शा में भी आया है राइट यस तुम बताना ये सही है कि नहीं यस तो ऑटो रिक्शा में भी आ जाता था पेपर इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग अगर आप लोगों को याद हो तो बेटा ऑनरेबल जज जो थे उन्होंने बार ये बार ये बात पूछी थी कि वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ था तो जब ट्रांसपोर्टेशन में हम थोड़ी सी लीनियंसी दिखाते ना तो देर आर चांसेस की पेपर लीक हो, हो सकता है ठीक है तो वो सब चीजों को अब और बेटर ध्यान रखा जाएगा और और बेटर सिक्योरिटी की जाएगी आपके पेपर के ट्रांसपोर्टेशन में ठीक है यस नेक्स्ट बोला गया है बेटा सीसीटीवी होगा सभी सेंटर्स में अब आप कहोगे मैम सीसीटीवी तो हर जगह ही था यस yes, बेटा लेकिन आ, कई जगहों से ऐसी न्यूज़ आई थी कि साउथ में कुछ ऐसे स्कूल्स थे जहां पे सीसीटीवी कैमरास नहीं थे ठीक है अब जब कैमरास नहीं होते तो आप उसको उसमें वहां पर क्या पेपर लीक हुआ कैसे हुआ आप कुछ नहीं बोल सकते हो उदय नो कमेंट्स वाली चीज़ हो जाती है राइट right? येस yes. तो इसीलिए बेटा अब ये इंश्योर किया जाएगा क्योंकि वैसे भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ही होंगे सारे तो फिर ये ध्यान रखा जाएगा कि सीसीटीवी कैमरास डेफिनेटली हो ताकि कुछ भी ना देखने को मिले नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा सेपरेट पोर्टल होगा फॉर ग्रीवेंसिस एंड आई फील लाइक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे कि आप स्टूडेंट्स के से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अब क्या होता है ना बहुत बार बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं बेटा जो स्टूडेंट्स अपनी पेपर uh, देते टाइम फील करते हैं ठीक है अब पेपर तो चलो दे दिया हमें अपने ग्रीवेंस शेयर करने हैं आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि कहा शेयर करने हैं राइट अगर हम बोनस मार्क्स वाली भी बात करें तो बेटा कुछ स्टूडेंट्स ने बोनस मार्क्स नहीं जो ग्रेस मार्क्स थे जिनका टाइम वेस्ट हुआ था यार टाइम तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का वेस्ट हुआ था लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स ही अपनी ग्रीवेंस बता पाए तो इसीलिए एक स्पेशल ग्रीवेंस पोर्टल ही बना दिया ठीक है ताकि स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी इशू आया हो वो अपना ग्रीवेंस वहां पे शेयर कर सके एंड वो आपको रिवर्ट करेंगे के जितना फास्ट पॉसिबल हो उतना ठीक है यस तो आई फील लाइक ये काफी अच्छा है एटलीस्ट आप अपनी प्रॉब्लम को वहां पर शेयर कर सकेंगे ठीक है नेक्स्ट बोला गया है बेटा कि काउंसलिंग सेशंस होंगे सॉरी uh, यहां स्कूल्स नहीं स्टूडेंट्स होगा स्टूडेंट्स और टीचर्स के ठीक है अब काउंसलिंग सेशंस ना बड़े ज़रूरी होते हैं जब आप बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम आ, हम बहुत ज़्यादा जैसे कि अगर मान लो पेपर कई अभी जो आ, हुआ था कि यार हिंदी का पेपर इंग्लिश वालों को मिल गया इंग्लिश वालों को हिंदी वाला पेपर मिल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और हम मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है हमें और फिर हम अपना पेपर जो है वो अपना हंड्रेड परसेंट के साथ नहीं दे पाते इसलिए बेटा ये ध्यान में रखा गया है कि अब सभी स्टूडेंट्स के और टीचर्स के ना स्पेशल काउंसलिंग सेशनस हो ताकि वो थोड़ा सा काम रह पाए और अपना पेपर बेटर दे पाए यू नो अपना परफॉर्मेंस उनका हंड्रेड हो पाए ठीक है तो मुझे लगता है ये भी काफी अच्छा स्टेप लिया गया है हम और भी बहुत सारे स्टेप्स एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं अभी भी चीजें और बेटर हो सकती हैं। ये अच्छा एक स्टेप लिया गया है लेट्स सी नीट 2025 में और बेटर चीजें हमें होगा? तो बेटा, अभी तक ना, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कहीं भी कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ है ठीक है तो इसीलिए आप प्लीज इन सब चीजों से घबराना मत सो आई फील लाइक नी ट्वेंटी तो ऑफलाइन ही होगा एंड आई वुड से आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो अगर कोई भी चांस है कि यार ऐसा हुआ और कोई नोटिफिकेशन आया आई विल बी हेयर विद इन फ्रंट ऑफ यू जल्दी से जल्दी ताकि मैं आपको ये जवाब दे पाऊं ठीक है तब तक आप अपने माइंड से ये एकदम क्लियर कर दो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया बच्चा प्लीज अपनी तैयारी करें और टाइम वेस्ट नहीं करना है ठीक है यस दिस इज समथिंग जो मैं स्ट्रेस देके देना कहना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉमेंट्स आते हैं एंड वो परेशान होते हैं इस चीज से तो मैं क्यों परेशान होना है जैसे ही कुछ आएगा आई विल बी फॉर यू ठीक है यस नेक्स्ट माईडियर स्टूडेंट्स अब अगर आपका नीट ट्वेंटी रिजल्ट आ चुका है जैसे और आप काउंसलिंग के लिए यू नो you know, अपना स्कोर देख रहे हैं कॉलेजेस कौन से कौन से हमें मिल सकते हैं तो बेटा आपके लिए एक अमेजिंग इन्फॉर्मेशन है आप नीट यूटी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कॉलेज प्रेडिक्टर यूज कर सकते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको बस स्कैन करना है आपको अपनी डिटेल्स डालनी है एंड डियर स्टूडेंट्स आपके जो जो आपके स्कोर के हिसाब से कॉलेजेस एक्सपेक्टेड है वो आपको मिल जाएंगे ठीक है यस यानी कि कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी कोई सर्च नहीं करना तो बस बढ़िया से यहाँ स्कैन करो और अपना कॉलेज प्रेडिक्ट कर लो इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आपका फिनिक प्रो बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है थर्टी फर्स्ट जुलाई से बेटा ये लास्ट लाइव बैच है तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग जल्दी से जल्दी बेटा आप मैम से पढ़ सकते हैं आप टीम निंजा से पढ़ सकते हैं आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं जब लाइव होता है तो आपके डाउट सेशन होते हैं ऑर्गेनाइज होता है तो थोड़ा बेटर पढ़ाई होती है ठीक है ये एंड माई डियर स्टूडेंट्स अगर आप ए कोड यूज करते हैं तो आप मेरे मेंटरशिप ग्रुप में आएंगे जहां पर जूम कॉल के थ्रू हम मेंटरशिप सेशन लिया करेंगे आपको माइंड मैप्स मिलेंगे आपको प्रैक्टिस सेशन

स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में ऐड किया जाएगा आपके स्पेशल मेंटरशिप सेशन होंगे आपके फेवरेट एजुकेटर्स के साथ में ऑल्सो बेटा जो पिछले नीट यूजी टॉपर्स है ना जो आपके भैया दीदीज हैं, जिन्होंने इस एटमोस्फेयर को गो थ्रू किया है अभी अभी आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम आती है आप कैसे इसको हैंडल करते थे तो ये ऐसे मेंटरशिप सेशंस ना बड़े ही यूजफुल होते हैं तो वो भी आपको इसी के अंदर ही इंक्लूडेड है ठीक है ऑल्सो बच्चा आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जिसके लिए अलग से पे करते हैं ना हम दो तीन हजार रुपए लास्ट में जाके वो भी आपको इसी में ही मिल रहा है तो आपको एक्स्ट्रा भी नहीं पे करना है ठीक है ये सो यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट इट बहुत अच्छा है रेज हैंड ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हैं बात करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं जब हम ऑनलाइन में होते हैं ना हम अपने एजुकेटर से बात नहीं कर पाते हैं आप यहां पर उनसे बात कर सकते ये करके, तो ये सारी आपको मिलेंगी, या फिर ऑफलाइन डाउट सोल्व कराने हैं पढ़ना मैंने ऑनलाइन है ऑफलाइन डाउट सोल्व कराने है, टेस्ट देना है, तो आपकेडमी प्रो भी जा सकते हैं यूज कर सकते हैं तीन अलग अलग सब्सक्रिप्शन है प्लस है आइकॉनिक प्रो है क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं वो भी यहाँ लिखे हुए हैं बेटा नीचे जो लिंक दिया है उसके थ्रू जाएंगे तो आप अपने हिसाब से अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ठीक है यस डेफिनेटली आगे अगर मैं बात करूं अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं तो माई डियर स्टूडेंट्स मैं बस ये बोलूंगी कि अब वो टाइम आ गया है जब तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा टाइम बहुत कम है और मेहनत बहुत ज्यादा करनी है क्योंकि हमें बताए नी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव इज गोइंग टू बी वन अमेजिंग एग्जाम राइट यस तो और भी कोई प्रॉब्लम है जस्ट लेट मी नो इन दी दॉमेंट्स स्टिल देन जस्ट कीप स्टार्टिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड यू आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा बाय बाय टेक केयर